जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग 360। मैं हूं अंजलि और आज हम इस वीडियो में BSOC 101 को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम सोशियोलॉजी का इंट्रोडक्शन तो पढ़ चुके थे, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव का। यहां हम स्टार्ट करेंगे सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, जो सी डब्ल्यू राइट मिल्स का कंसेप्ट है कि सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन है क्या। सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन का मतलब है कि समाज में आप किसी भी चीज़ को आप अलग नज़रिए से, अलग तरह से इमेजिन करते हैं। जैसे एक बोल सकते हैं कि कभी कभी किसी चीज़ से ना हम इतने फैमिलियर हो जाते हैं कि वो चीज़ हम लोग को आम लगने लग जाता है और वो चीज़ नेचुरल लगने लग जाता है, पर वो चीज़ नेचुरल नहीं है। जैसे कोई भी चीज़ होना, कैसे बोल सकते हैं, एग्जांपल से अगर समझे तो ये घर लड़े हम लोग आते हैं और बोलते हैं कि घर पे अगर आए और लड़की बैठी हुई है और किसी के घर में आप गए और लड़का लड़की दोनों हैं, ठीक है, बेटा मतलब भाई बहन दोनों ही गए हैं किसी के घर पे, ठीक, तो जनरली लड़के से क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा कि तुम जाओ बाहर से जो थोड़ा काम का बाहर का सामान लेके आना है, भाई जाके बाहर से थोड़ा सामान ले आ, और लड़की से क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा कि थोड़ा किचन में आके बाबू हाथ बटा दो, ठीक है। तो ये एक्सेप्ट करना हम लोग को नेचुरली लग जाता है, पर ये नेचुरल नहीं है, ये बिल्कुल नेचुरल नहीं है। और ये चीज़ रिवर्स भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सोशियोलॉजिकली इमेजिनेशन का मतलब है कि किसी भी चीज़ को एकदम एक्सेप्ट कर लेना कि वो नेचुरल है, वो गलत है। उस तरह से एक्सेप्ट मत कीजिए, जबकि ऐसा भी हो सकता है कि अगर लड़की ही बाहर जाके सामान ले आए और लड़के ही घर पे आके मतलब किचन में आके अगर हाथ बटाते हैं काम घर के खाना वगैरह में, तो कोई बड़ा बात नहीं, ये भी नॉर्मल है, ये भी नेचुरल है। और ये आपको तब नेचुरल लगेगा जब आप सोशियोलॉजिकली इमेजिन कर पाएंगे सोसाइटी को। ये बोलने का मतलब है कि आप डेली के एक्सपीरियंस को जैसा है वैसे एक्सेप्ट ना करके आप उसको क्रिटिकली एनालाइज करते हैं, रैशनली सोचते हैं, उसको हर डायमेंशन से देखते हैं, तब आप बोल सकते हैं कि आप सोशियोलॉजिकली इमेजिन कर रहे हैं। और तभी आप सोसाइटी की रूट कॉज को समझ पाएंगे, हर इवेंट को, सोसाइटी में होने वाला हर इवेंट को आप जड़ से समझ पाएंगे। और जब तक आप जड़ से समझेंगे तभी उस पर कुछ थ्योरी या फिर उसको ठीक करने का कोई प्रिस्क्रिप्शन दे पाएंगे। इंडिविजुअल का जो भी डेली एक्सपीरियंस होता है वो कहीं ना कहीं उसके सोसाइटी पर इम्पैक्ट करता है। सोसाइटी का जो अपना थ्योरी होता है, या बोल सकते हैं कि हर सोसाइटी अपने आप को एक तरह से इमेजिन किया हुआ होता है, कि हर सोसाइटी का अपना एक वैल्यूज़ होता है और उस वो वैल्यू जनरेशन बाय जनरेशन चलता है। तो और वो जनरेशन बाय जनरेशन चलता है तो एक इंडिविजुअल का जो अपना एक्सपीरियंस होता है, डेली एक्सपीरियंस होता है, उस पर इम्पैक्ट डाल रहा होता है। बहुत बार होता है कि आप जैसे गाय खाना हर सोसाइटी में नहीं सही होगा, किसी एक सोसाइटी में हो सकता है कि वो नॉर्मल हो। तो वो अगर वो इंसान का अपना एक्सपीरियंस अलग होगा, वो हो सकता है कि खा के आया हो, वो खाता हो अपने, पर वो जब सोसाइटी बदलता है, वो दूसरे सोसाइटी में आता है, तो वो चाह कर भी वो नहीं कर पाएगा, उसका जो अपना मन होगा वो नहीं कर पाएगा ड्यू टू सोसाइटल प्रेशर के कारण, क्योंकि वो जिस समाज में है उस समाज में उस चीज़ को सही नहीं माना जाता है, तो वो नहीं खाएगा। तो इंडिविजुअल का जो एक्शन होता है, डेली का जो वर्क होता है, वो कहीं ना कहीं सोसाइटी के कारण इम्पैक्ट पड़ रहा होता है। ये हम समझें, हिस्ट्री जो होता है वैल्यूज़ क्रिएट करता है, और जो वैल्यू होता है धीरे धीरे वो हमारा कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बन जाता है। जैसे कि आज ही बन गया हमारा आज भी सबके अंदर ये चीज़ आ गया है ना, धीरे धीरे है ही कि इंग्लिश सब्जेक्ट ज़्यादा सुपीरियर है, इंग्लिश बोलना ज़्यादा अच्छा लगता है, इंग्लिश बोलना अब बच्चे लोगों को ज़्यादा इंग्लिश में सिखाना है कि अरे इससे इंग्लिश में बात कीजिए, अरे क्यों इतना प्रेशर देना, इंग्लिश क्यों प्रेशर देना, हम समझ नहीं पाते हैं, उसको भी उतना ही तवज्जो दीजिए जैसे हिंदी है। इंग्लिश को एज आ सब्जेक्ट के जितना ही तवज्जो देना चाहिए, इंग्लिश को नॉलेज की तरह नहीं कंसिडर करना चाहिए, पर ये चीज़ हमारे अंदर है, हम लोग के अंदर आता है कि इंग्लिश बच्चा अगर बोल रहा है तो छोटा बच्चा अगर आपको फटाफट इंग्लिश बोलता हुआ नजर आएगा तो आपके दिमाग में ये आएगा कि वाह मतलब वाह कितना तेज बच्चा है ना। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं हमारे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में डेवलप कर जाता है, कुछ वैल्यूज़ जो हिस्ट्री लेके आती, हिस्ट्री में कुछ हुआ, हिस्ट्री में घटने वाला कुछ इवेंट आज भी उस पर इम्पैक्ट डाल दिया रहता है। देखिए, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव का मतलब ये नहीं कि एक सिंगल वे है, बहुत अलग अलग तरीका है समझने का। कुछ लोग है फंक्शनलिज्म की तरह से समझते हैं, बोल सकते हैं कि फंक्शनलिस्ट हैं जो
इस थ्योरी पे मानेंगे, हम लोग दूसरे वाले बुक में बी एस ओ सी 102 में समझेंगे, बहुत सारा थ्योरी है, फेमिनिस्ट है, कॉलोनियल है, अलग अलग पर्सपेक्टिव है, जिसमें बोलते हैं कि कुछ लोग लगता है कि समाज में जो भी चीज़ है ना वो सही है, वो अगर पत्नी घर पे खाना बनाती है और पति बाहर में काम करता है तो सही है, यही है जो हमारे समाज में सॉलिडैरिटी लिया हुआ, एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ, जिस स्ट्रक्चर अगर ऐसा नहीं होगा तो ये कोलैप्स कर जाएगा, सोसाइटी कोलैप्स कर जाएगा, तो ये सही है। पर फेमिनिस्ट बोलते हैं नहीं, ये गलत है, ये चीज़ कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम है जो कि चेंज होना चाहिए। मैरिज को उन लोग अलग नज़रिया से बोलते हैं वो, और फेमिनिस्ट अलग नज़रिया से बोलते हैं। उन लोग के अनुसार मैरिज जो है सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है, और फेमिनिस्ट बोलते हैं कि मैरिज एक एक्सप्लॉयटेशन का एक साधन है जिसमें कैपिटलिस्ट लोग वुमेन को भी वुमेन को एक्सप्लॉयट कर रहे हैं। तो अलग अलग थ्योरी है, अलग अलग पर्सपेक्टिव है समझने का। अब आप बोलेंगे कि मैम अलग अलग पर्सपेक्टिव में हम कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे, पर बात यहाँ पे कंफ्यूजन का नहीं है कि देखिए सोसाइटी में बहुत डाइवर्सिटी है, हर जगह हर थोड़े दूर पे आपको थोड़ा ना थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है कुछ चीज़ में, सोसाइटी में मिलता है ना, थोड़ा लैंग्वेज में थोड़ा, एक सिंपल समझिए ना, तो बंगाल में ना लड़कियों से पैर नहीं छूने, लड़कियों को बोलते हैं पैर नहीं छूने के लिए, बोलते हैं कि वो देवी देवी स्वरूप होती हैं। और वही आप बिहार में चले जाइए तो अगर आप पैर नहीं छूते हैं किसी बड़ों का तो आपको बोला जाएगा कितनी असभ्य लड़की है, इसका तो बुद्धि ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपके घर में कोई गेस्ट आया तो आपको पैर छूना है, गेस्ट जब जा रहे तब भी पैर छूना है। तो आप थोड़ा ना थोड़ा कुछ वैल्यूज़ में आप चेंजेस देखेंगे, ज़्यादा दूर नहीं है वेस्ट बंगाल और बिहार में, थोड़ा ही दूर है, पर आपको थोड़ा ना थोड़ा चीज़ चेंजेस दिखता है। तो अलग अलग जगह पर आप एक ही यूनिवर्सल थ्योरी को आप हर सोसाइटी में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग को अलग अलग डायमेंशन से, अलग अलग पर्सपेक्टिव से सोसाइटी को पढ़ना पड़ता है, जिसमें अलग अलग सोशियोलॉजिस्ट अलग अलग थ्योरी दे रखे हैं। हर थ्योरी पूरी तरह से हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता, किसी एक जगह पे ये थ्योरी एप्लीकेबल होता है, ठीक है, पूरी तरह से यूनिवर्सल नहीं है, इसीलिए हम लोग को एक सिंगल वे नहीं है। बॉमन जो है इम्पेरिकल मेथड यूज़ करते हैं, थोड़ा एक्सपेरिमेंटल है। एक्सपेरिमेंट करने का मतलब है कि आप कुछ डाटा को एनालाइज करते हैं, हर लोगों से पूछते हैं कुछ, उनका जो मेथड होगा ना कि एक्सपेरिमेंट के थ्रू होगा, जैसे कि साइंस में होता है, साइंस में कोई भी थ्योरी देते हैं तो पूरी तरह से तो नहीं उनकी थ्योरी बोले कि ऐसा होता है और सब मान तो नहीं लेते, उनको प्रूफ देना पड़ता है, कुछ एक्सपेरिमेंट के थ्रू दिखाना पड़ता है कि जो वो थ्योरी बोल रहे हैं वो थ्योरी सही है, वो जो लॉ है वो सही है। अगर फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ है, अगर न्यूटन सर का, तो वो बोलते हैं कि अगर फर्स्ट लॉ बोलते हैं कि जब तक हम बाहर से एक फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक कोई बॉडी का स्टेट चेंज नहीं होगा, तो सच में ऐसा होता है, जब तक हम बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाते हैं बॉडी का स्टेट चेंज नहीं होता है, तो उनको एक्सपेरिमेंट दिखाना पड़ता है। वैसे ही बॉमन जो है जो भी थ्योरी देते हैं वो उनका एम्पिरिकली वो देते हैं, मतलब एक्सपेरिमेंटली देते हैं। मील्स का जो है कंसेप्ट वो थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट है, थोड़ा वेग बोल सकते हैं कि ज़्यादा बोल सकते हैं ना कि मतलब बॉमन जितना नहीं एक्सपेरिमेंट ये भी यूज़ करते हैं, एक्सपेरिमेंट के थ्रू अपना थ्योरी दिए हैं, पर उतना सटीक बोल सकते नहीं है। बात आता है सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, सोशियोलॉजिस्ट लोग का जो भी थ्योरी देते हैं, जो भी सोसाइटी के कंसेप्ट को समझते हैं, वो उसके लिए आपको कुछ डाटा को कलेक्ट करना पड़ता है, डाटा कलेक्ट करते हैं, और डाटा कलेक्ट करते वक्त वो अपने आप अपने खुद के आइडेंटिटी के थ्रू नहीं देखते, मतलब अपना जो लेंस है उनका, अपना जो इंडिविजुअल सोशलाइजेशन हुआ है, मान लेते हैं कि अगर कोई एक लड़का है, अगर वो पैट्रियार्की उसके अंदर इनबिल्ट है, मतलब उसको जिस समाज से आया है उस समाज में उसको पैट्रियार्की ही सिखाया गया है कि पुरुष प्रधान समाज से आया है, तो कितना भी उसके अंदर आए वो थोड़ा ना थोड़ा रिफ्लेक्ट कर जाएगा, इस जिसके कारण उसको अपनी सोसाइटी के जो अपना सोशलाइजेशन हुआ उससे निकल के बाहर निकल के खुद से बाहर निकल के फिर डाटा को कलेक्ट करना पड़ेगा, और फिर उसको फिर उसके बाद वो डाटा कलेक्ट करने के बाद एक थ्योरी पे आ पाएंगे। और डाटा कलेक्ट करने का एग्जांपल से समझिए आप कि सुसाइड का जब इमाइल डरखाइम कंसेप्ट निकाल रहे थे ना, इमाइल डरखाइम ना हर इंडिविजुअल कोई एक्शन को ना सोसाइटी से रिलेट कर देते हैं, वो बोलेंगे कि जो भी चीज़ अभी हो रहा है ना इसके पीछे कहीं ना कहीं समाज जिम्मेदार है, ये इंडिविजुअल एक्शन नहीं है, ये सोसाइटल एक्शन है। जैसे सुसाइड का जब वो कंसेप्ट बोल रहे थे तो वो फिर डाटा को कलेक्ट किए हैं, डाटा कलेक्ट करने का मतलब है कि रूरल एरिया में कितना सुसाइड केस देखा गया है, कितने इसमें अर्बन एरियाज़ में कितना क्या है, जो मैरिज लोग ज़्यादा किए हैं कि सिंगल लोग ज़्यादा किए हैं सुसाइड, वो सब डाटा को कलेक्ट करके फिर एक थ्योरी पे आते हैं। ये हुआ आपका डाटा को कलेक्ट करना।
ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, जैसा हम पहले भी बोले थे कि एक इंसान एक लव वाला जो थ्योरी है, या फिर बोल सकते हैं कि एक बच्ची है जो अपने पापा मम्मी को बहुत ही अच्छे से देखी है कि पापा मम्मी के अंदर बहुत प्यार है, तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में होगा कि प्यार शादी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। पर अगर वो लड़की या लड़का जो भी बच्चा है वो अपनी मम्मी पापा को हमेशा लड़ते झगड़ते देखा है, तो उसके लिए मैरिज जो होगा, मैरिज का डेफिनेशन उतना अच्छा नहीं हो सकता है। पर क्या उसी के अनुसार तो मैरिज का डेफिनेशन नहीं तय किया जा सकता ना? ये आपके पर्सनल एक्सपीरियंस पर तो डिपेंड नहीं करता है। सोसाइटी को देखने का जनरली पर क्या होता है कि जो इंसान का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होता है उससे ही वो समाज को देखने लग जाता है। जैसे वही बात है, आप बाहर निकले, आप गए, आपका 2-3 बार सामान चोरी हो गया, तो आपको हमेशा आपके मन में डर बैठा होगा कि आजकल के लोग बड़े चोर होते हैं, कोई ना कोई सामान चुरा लेते हैं। पर ऐसा ही नहीं होता है, हर बार तो ऐसा नहीं होता ना। वो उसका एक्सपीरियंस हो सकता है उनका किस्मत ख़राब था, उनका बार बार पाला पड़ा चोर जैसे लोगों का, पर क्या वही ऐसे ही सच में होता है? नहीं, ज़रूरी नहीं कि हमेशा ऐसा होता है। पर लोग अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सोसाइटी को अपने नज़रिए से देखने लग जाते हैं, पर सोशियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे सोसाइटी को नहीं पढ़ते ना देखते हैं, ठीक। उनका इमेजिनेशन अलग होता है, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन उनका अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बियॉन्ड होता है, उससे बाहर निकल के वो देखते हैं। वो ऑब्जेक्टिविटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं रादर देन सब्जेक्टिविटी पे। ऑब्जेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी का क्या डिफरेंस होता है? ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है जो हर जगह एप्लीकेबल हो, जिसका आंसर हर जगह एक हो। जैसे बोला जाए तो एक सेम एग्जांपल से अगर समझे कि आपका फ्रेंड का नाम क्या है, आपका बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है, तो आप बता देंगे आपका बेस्ट फ्रेंड का नाम कुछ भी आप बता सकते हैं, राहुल कुमार, ठीक है, आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम राहुल कुमार है, ठीक। अगर आपसे पूछा जाए कि आपका बेस्ट फ्रेंड कैसा है, तो ये हो जाएगा सब्जेक्टिव। आपका बेस्ट फ्रेंड कैसा है ये आप अलग बोल सकते हैं, और राहुल जो है उनके मम्मी अलग बोल सकती है, उनके पापा अलग बोल सकते हैं, उनका फ्रेंड अलग बोल सकते हैं, उनके टीचर अलग बोल सकते हैं। तो ये जो राहुल कैसा है, से समथिंग अबाउट राहुल जो है, ये सब्जेक्टिव चीज़ हो जाएगा। और ऑब्जेक्टिव चीज़ क्या हो जाएगा कि राहुल का नाम क्या है, जो हर चीज़ के लिए सेम होगा, ठीक है। तो अब सब्जेक्टिविटी मतलब ये हो जाएगा कि लोग आपको पहले ही, मान लीजिए बहुत लोगों का थ्योरी होता है, बहुत अजीब सा वियर्ड कंसेप्ट होता है कि टेररिज्म सुनते ही बोलते हैं कि मुस्लिम, पर ऐसा नहीं है ना। क्यों, क्या APJ अब्दुल कलाम नहीं है? है ना, थे ना, खान अब्दुल गफ्फर खान थे ना, अभी भी है ना, अभी भी है, मतलब वो खान अब्दुल गफ्फर खान भी तो है ना। तो इन सब को देख के मुस्लिम बहुत अच्छे अच्छे हम लोग की पर्सनैलिटी है, जाकिर हुसैन है, अच्छे अच्छे बहुत सारे पर्सनैलिटी है मुस्लिम्स में भी। पर जनरली बहुत लोगों का कंसेप्ट बहुत वियर्ड हो जाता है कि टेररिज्म का नाम सुनते ही मुस्लिम वाला बात आ जाता है। तो आप मान लीजिए आप एक एम्प्लॉय हैं, आप एक HR है, आप अपने कंपनी में कुछ लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं, जिसमें से एक लड़का का आपके पास CV आता है जिसमें बहुत अच्छा उसका एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, हॉबी सब कुछ अच्छा से मेंशन किया हुआ है, ठीक है। और आपके दिमाग में पर बैठा है, आपके दिमाग में बहुत गंदा चीज़ बैठा है कि मुस्लिम लोग थोड़ा ना थोड़ा कहीं ना कहीं टेररिज्म से इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, ये बैठा है। पर अगर आप अपने थॉट प्रोसेस के थ्रू अगर उसको नियुक्त नहीं करते, उसको रिक्रूट नहीं करते अपनी कंपनी में, मतलब आप सब्जेक्टिविटी पे फोकस किए हैं, पर आपके पास पता है कि वो मेरा अपना धारणा, वो जो भी बोला हो, कोई क्या बोला हो, क्या स्टोरी हुआ है आगे हम नहीं जानते, पर मेरे को इस लड़के का CV पूरा पता है, इसके बारे में हम डिटेल जानते हैं, सब कुछ हम क्रॉस चेक कर चुके हैं, जब सब कुछ मेरे को पता है तो हम ऑब्जेक्टिविटी पे देखेंगे, हम डाटा को देखेंगे, तब आप उसको रिक्रूट करते हैं, मतलब आप ऑब्जेक्टिविटी पे ध्यान देते हैं। जैसे और एक एक एग्जांपल से समझिए कि अगर आप कहीं पे IPS हैं और किसी लड़की के साथ या किसी लड़के के साथ कुछ होता है, या लड़की के साथ मान लीजिए कुछ बहुत बुरे तरह से कुछ लड़का लोग मिलकर उनको मारा है, ठीक है, उनके साथ वायलेंस हुआ है, और लोग मीडिया वाला बार बार उन पर बोल रहा है आपको कि एक्शन लीजिए, ठीक है, पर आप फटाक से मीडिया को बंद करने के लिए आप एक्शन नहीं ले सकते हैं, आपको डिटेल में सर्च करना पड़ेगा, डिटेल में पता लगाना पड़ेगा कि मुद्दा था क्या, ठीक। तो ये चीज़ आप अब भावनाओं में बह के कि लड़की है, लड़की के साथ बुरा हुआ है, तो भावनाओं में बह के आप फटाक से उन लोग के साथ कहीं इनकाउंटर वगैरह नहीं कर सकते हैं। अगर आप करते हैं मतलब आप सब्जेक्टिविटी पर ध्यान देते हैं, आप सब्जेक्टिव, आपका पर्सनैलिटी सब्जेक्टिविटी वाला पर्सनैलिटी है, पर आप अगर डाटा को समझते हैं, इंक्वायरी अच्छे से करते हैं, पता लगाते हैं, उसके बाद किसी एक्शन पे जाते हैं, किसी निष्कर्ष पे जाते हैं, मतलब आप ऑब्जेक्टिविटी आपके अंदर है, समझे, ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी का एग्जाम्पल।
अब बात आते कलेक्शन ऑफ डाटा का ही नहीं आता, डाटा को जब कलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद फिर कोडिफाई भी करना पड़ता है कि डाटा पूरी तरह से सटीक है कि नहीं, कि किन लोगों का, अगर कि जिस मुद्दे पे लिया गया है कि डाटा किससे लिया गया, अगर आपको कोई भी निष्कर्ष निकालना है, किसी कोई कंक्लूजन पे पहुंचना है, किसी वुमेन के बारे में कंक्लूजन पे पहुंचना है, तो ऑब्वियसली आप किससे पूछेंगे, आप किससे इंक्वायरी करेंगे, ऑब्वियसली वुमेन से करेंगे, क्योंकि बहुत बार होता है कि देखिएगा गाँव वगैरह में अगर सर्वे होता है ना तो वुमेन को भेजा जाता है, जनरली सर्वे वुमेन ही करती हैं। क्यों वुमेन करती हैं? क्योंकि जनरली घर पे रहती कौन है, विमेन रहती है, और जो क्रेडिबिलिटी होता है, आप किसी भी मेल पर्सन को तो घर में लड़कियां औरत लोग घुसने देगी नहीं, बाहर से ही होता है, और कुछ क्वेश्चंस पूछना होता है सर्वे के टाइम पे, तो जिसके कारण जनरली क्या होता है विमेन ही आती हैं, और कुछ ऐसा सवाल होता है जो विमेन अब विमेन से अच्छे से बता पाती है, खुल के बता पाती है, सर्वे के दौरान अगर उनसे कुछ पूछना पड़े तो बता पाती है, जो कि मेल से नहीं बता पाती है। ये रीज़न हो जाता है कि अब डाटा जो लिए हैं उसको फिर कोडिफाई करना, अच्छे से एनालाइज करना कि डाटा में कितना ऑथेंटिसिटी है उसके बाद, और यही ये रीज़न है कि जो डाटा कलेक्टिंग डाटा जो है ये बहुत ही एक्सेप्टेड स्टाइल है, हर जगह इसको फॉलो किया जाता है। पर डाटा को ऐसे नहीं कि आप बस कहीं भी डाटा को ले लिए, कहीं से भी वो पूछ लिए और एक नई थ्योरी लगा दिए, इसका भी कुछ रूल्स होता है, डाटा को कलेक्ट करना, एनालाइज करना, फिर कोडिफाई करना, उसको स्केल के थ्रू बताना कि कहाँ पे कितना मात्रा में ज़्यादा पाया गया है। जनरली जैसे कि सोसाइटी का ही कंसेप्ट को वापस एग्जांपल से समझे तो जनरली जो देखा गया है कि जो सोसाइटल केस होता है मैरिज वाले जो मैरिड पीपल होते उनमें कम देखा जाता है, पर सिंगल वाले लोगों में ज़्यादा देखा जाता है, जो ये डाटा के थ्रू आप एक निष्कर्ष पे आ सकते हैं। पर ऐसे में हम लोग को आता है कि अरे मैरिज में बहुत प्रॉब्लम है, मैरिज के थ्रू बहुत प्रॉब्लम्स आता है जिसके कारण जनरली लोग सुसाइड कर लेते हैं, कि बहुत बर्डन होता है बहुत, पर बात यहाँ पे ये डाटा ये बताता है कि मैरिज में सुसाइड नहीं होता है, ज़्यादा सिंगल में सुसाइड केस देखा गया है, क्योंकि मैरिज में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, कोई भी वुमेन के साथ कोई भी प्रॉब्लम ज़्यादा होता भी है तो वो जल्दी सुसाइड नहीं करती, क्योंकि उन पर प्रेशर होता है कि मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, पर सिंगल में जनरली ऐसा नहीं होता है। दूसरा ये भी रीज़न होता है कई बार कि जो मैरिड होते हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ से इन्वॉल्व होते हैं, मान लीजिए अगर आपके पति से या फिर किसी हस्बैंड वाइफ का अनबन हो भी जाता है तो फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों वापस एक दोनों सॉरी बोल के या फिर आपस में क्लोज आ जाते हैं, फिर वो अपना परेशानी को दूर कर पाते हैं, दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं। पर उससे जब सिंगल जो होते हैं हालांकि उनके में प्रॉब्लम तो नहीं होता ज़्यादा, उनको परेशानी नहीं होता किसी के थ्रू, किसी से उनको झगड़ा लड़ाई नहीं होता है, ठीक है, पर फिर भी जो अकेले रहते हैं ना, जिसके कारण वो अंदर ही अंदर एंग्जाइटी या डिप्रेशन के शिकार बन जाते हैं। अब बोलते हैं ना खाली दिमाग शैतान का होता है, तो ये भी बहुत बड़ा रीज़न पाया गया है। तो बोला जाता है कि जो डाटा को कलेक्ट किया उसको फिर स्केल के थ्रू बताना कि कहाँ पर कितने मात्रा में ज़्यादा पाया गया है, किस पर्सनल एक्सपीरियंस को, पर्सनल इशू को, या किसी भी तरह का सोसाइटल इशू है, सोसाइटी में जो भी तरह का इशू देखा गया है। पर इसका कुछ लिमिटेशन भी है, क्योंकि जो भी डाटा को बस कलेक्ट किया गया है, पर डाटा को कलेक्ट करते हुए ना कि जो ओपिनियन कैसे बन रहा है, मतलब अगर मान लीजिए आप हरियाणा की तरफ गए, पंजाब हरियाणा की तरफ गए, तो आप बस डाटा कलेक्ट कर लिए कि आपके अनुसार रेप क्यों होता है, तो वहाँ के लोग आपको बस बता दिए कि ये रेप का रीज़न है, कि रेप इसके कारण से होता है, तो आप बस लिख दिए कि उन लोगों के अनुसार ऐसा कारण है, बस आप ये कारण नहीं लिख दिए, कि बस कारण नहीं लिखना भी तक काम नहीं होता है। बात यह है कि अगर वो इसके पीछे ओपिनियन दे रहे हैं तो ये ओपिनियन के पीछे उनका क्या आइडियोलॉजी रहा है, उनको क्यों ऐसा लगता है कि ये कारण है रेप का। जैसे हरियाणा की तरफ में बहुत बार देखा जाता है कि रेप में बोलते हैं कि रेप के लिए कहीं ना कहीं लड़की ही जिम्मेदार है, तो आखिर वो ओपिनियन कहाँ से आया उनके दिमाग में। अगर वो ये बात बोल रहे हैं, अगर कोई बोलते हैं कि अगर कि मैरिज के पीछे ये रीज़न है, या फिर कास्ट सिस्टम में अगर अभी पूछिएगा डाटा में कि लिव इन रिलेशनशिप कहीं ना कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है, आपका क्या ओपिनियन है, तो लोग अपना अपना मत दे देंगे, ठीक है। बहुत लोग पूछते हैं प्रैंक वगैरह वीडियोस में देखेंगे, या फिर नॉर्मल होता है ना कि आपके अनुसार आपको इंडियंस कैसे लगते हैं, या आपके अनुसार पंजाबी कैसे होते हैं, आपके अनुसार व्हाट योर रिएक्शन अबाउट बिहारी के बारे में आपका क्या रिएक्शन है, या पूछ लेते हैं। पर ये चीज़ क्यों बना है ऐसा आइडियोलॉजी, वो अपना ये ओपिनियन क्यों दे रहे हैं, ये फेल कर जाते हैं। ये यहाँ का इसका लिमिटेशन है। किसका लिमिटेशन है? डाटा कलेक्ट करने का लिमिटेशन है। सी राइट मिस जो है ना, वो अमेरिकन है, जिसके कारण वो ज़्यादा जो स्टडी किए हैं, ज़्यादा फोकस करके जो स्टडी किए हैं यूएस के सोसाइटी को ही फोकस किए हैं, वेस्टर्न सेंट्रिक हैं, वेस्टर्न कल्चर को ही ज़्यादा डिटेल में पढ़े हैं, वो इंडियन कल्चर पर उनका फोकस कम रहा है, बोले तो ना के बराबर रहा है।
वो स्टेटस क्लास, जो स्टेटस क्लास का जो कंसेप्ट है ना, उसको ठीक से ट्रांसलेट नहीं कर पाए, ठीक से डिटेल में बता नहीं पाए। देखिए कोई भी नया थ्योरी आता है ना कहीं पुराने थ्योरी में कुछ ना कुछ लूपहोल्स होता है, तभी नया थ्योरी आता है। ऐसी तो नया थ्योरी आता नहीं है, वो जब नया थ्योरी आ रहा होता है तो वो उस पिछले वाले थ्योरी को जो लूपहोल्स होता है उसका, जो क्रिटिसिज्म होता है उसको हाईलाइट करके आता है कि नहीं इस ये जगह पे ये थ्योरी इस जगह पे एप्लीकेबल नहीं होता है। जैसे कारण जो सी राइट मिल्स का जो स्टडी था वो रीजनल रह गया। अब आपसे अगर पूछा जाता है कि सी राइट मिल्स का क्या क्या लिमिटेशन है, तो आप उसमें बता सकते हैं कि वो वेस्टर्न सेंट्रिक रहा है, वो रीजनल रहा है, वो ज़्यादा इंडियन सोसाइटी को नहीं पढ़े हैं या फिर ईस्टर्न सोसाइटी को नहीं पढ़ते हैं, वो स्टेटस कंसेप्ट ऑफ स्टेटस को ट्रांसलेट नहीं कर पाए हैं, डाटा को एनालाइज करने में भी वो पूरा ओपिनियन को नहीं बता पाए हैं कि ये जो डाटा कलेक्ट किया गया उसके पीछे ओपिनियन क्यों बना है, ये नहीं बता पाते हैं। और बहुत ही नॉन वेस्टर्न सोसाइटी को बहुत जनरलाइज वे में बताते हैं कि ये बहुत ही बोल सकते हैं ना कि एक सिंपल कंसेप्ट बता दिए और बोलते हैं कि ये जनरली हर जगह पाया जाता है। मतलब वेस्टर्न कल्चर को बताया कि वेस्टर्न कल्चर को ही जनरली देखा जाता है, हर जगह आपको देखा गया। मतलब आप बोल रहे हैं कि इंडिया में ऐसा चलता है तो हर जगह ऐसा ही चलता है, पर ऐसा नहीं है। हर सोसाइटी का अपना अपना एक सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, अपना अपना वैल्यूज़ है, अपना अपना उनका वैल्यूज़ के पीछे कुछ फंक्शनल रीज़न भी है। वो सबको डिटेल में आगे जो बहुत सारे साइंटिस्ट आएंगे, सोशल साइंटिस्ट आएंगे, उसको पढ़ेंगे और फिर डिटेल में बताएंगे। वो वर्ल्ड वॉर के कॉज को, ओरिजिन को ठीक से डिस्क्राइब नहीं कर पाए हैं। जैसे बोल सकते हैं कि आप ये तो बता दिए कि सोसाइटी में ये इवेंट हुआ, जैसे हिस्ट्री में जो कॉलोनियल रूल आया, जिसके कारण कॉलोनियल रूल आने के कारण प्रॉब्लम आया, यहाँ आज भी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी आ गया, पर ये नहीं बता पाए कि कॉलोनियल रूल, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, कॉलोनियल पीरियड में डिवाइड एंड रूल पॉलिसी आया क्यों। तो और बहुत सारा हिस्टोरिकल इम्पैक्ट जो था, जो धीरे धीरे आया है, उसके पीछे और रूट कॉज वो नहीं बता पाए हैं। एम्पिरिसिज्म को हॉलमार्क ऑफ सोशियोलॉजी बोला जाता है। बोल सकते हैं कि जो एक्सपेरिमेंट होता है ना, एक्सपेरिमेंट के थ्रू अगर आप कोई थ्योरी जाते हैं तो वो ना ऑथेंटिक हो जाता है। सोशियोलॉजी का कोई भी जो थ्योरी है उसको और ऑथेंटिक बताया जाता है। अब आता है हमारे सोशियोलॉजिकल मेथड्स। सोशियोलॉजिकल मेथड्स के बाद, हाँ इसके बाद दूसरे वीडियो में करेंगे, वीडियो फिर लंबा हो जा रहा है। सोशियोलॉजिकल मेथड जो है इसमें बस बताया है, आंसर को बताया है और ये बता नहीं पाए हैं कि ये क्यों हुआ है। अगर कोई भी चीज़ अगर है तो हाउ के पीछे बताया गया कि इस तरह से सोसाइटी इमर्ज हुआ है, इस तरह से वैल्यू बना है, पर इस तरह से वैल्यू बना है क्यों बना ये नहीं बता पाए हैं। और डिटेल में जो हम लोग इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी पढ़ेंगे ना, तो और डेप्थ में समझ पाएंगे। दूसरा हमारा आता है, जिसमें हम दूसरे मेथड को समझेंगे। तो बोल सकते हैं एक तो हम कलेक्टिंग डाटा के मेथड से समझ सकते हैं, डाटा को कलेक्ट करके समझ सकते हैं। दूसरा है हिस्ट्री को समझते हुए समझेंगे कि हिस्ट्री के कारण क्या क्या इम्पैक्ट आता है सोसाइटी में, कुछ भी चेंजेस आया है सोसाइटी में, अगर कुछ भी हो रहा है तो हिस्ट्री को पढ़ के हम समझेंगे तो हमको समझ में आता है कि आज जो हमारी सोसाइटी में हो रहा है कहीं ना कहीं इसके पीछे हिस्ट्री कारण है। और हिस्ट्री में अगर कोई चीज़ बन गया है, बोला जाता है ना कि हिस्ट्री बस वो ही एक फिल्म है जो फिल्म हिस्टोरियन आपको दिखाना चाहते हैं, जो चीज़ आपको वो ही पूरी तरह से सच नहीं होता है, क्योंकि हिस्टोरियंस में भी बहुत कुछ बदलाव रहता है, बहुत कुछ चेंजेस रहता है। और उस चेंज को अगर सच मानते हैं तभी वो, मतलब बोल सकते हैं ना कि आप उसको पूरी तरह से अगर मान लेते हैं कि यही सच है, ये आपका बेवकूफ़ी है। अगर हाँ ये अगर इस चीज़ को जब बल्कि आप जब एक्सेप्ट कर लेते हैं अगर कि जो हिस्ट्री में जो चीज़ है वो कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा चेंज शेपिंग किया गया है, थोड़ा सा मैनिपुलेट किया गया है, तो इस सच को नकारना गलत नहीं होगा। तो और उसके बाद समझते हैं सोशल सिचुएशन को, किस तरह का सोशल सिचुएशन आया है जिसके कारण आज जो हम लोग भी आज सोसाइटी में जो भी चीज़ दिखता है, जो इवेंट्स आ रहा है, वो उसके पीछे कहीं ना कहीं तो कुछ सोशल सिचुएशन जिम्मेदार है। दूसरा आता है इमाइल डर्खाइम। इमाइल डर्खाइम का एक रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड है, 1897 में जो बुक्स लिखे हैं वो, उस बुक आप मेंशन कर सकते हैं उस बुक को, कि जो ये पहले प्रोफेसर रहे हैं इमाइल डर्खाइम, सोशियोलॉजी के फर्स्ट प्रोफेसर रहे हैं, जो अपना एक बुक देते हैं, इनका क्लासिकल वर्क उसमें लिखा हुआ है रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, जो 1897 में आया था, जिसमें बहुत सारा सोशल फैक्ट्स को बताते हैं। देखिए इमाइल डर्खाइम पहले बताए थे कि जो भी चीज़ वो समाज में होगा ना, जो भी प्रॉब्लम्स होगा ना, उस प्रॉब्लम्स के पीछे वो हर चीज़ को ना पर्सनल प्रॉब्लम को बोल सकते हैं कि वो सोशल प्रॉब्लम से रिलेट कर देंगे। तो उसके पीछे कुछ सोशल फैक्ट्स बताते हैं कि आज जो भी चीज़ हो रहा है कहीं ना कहीं उसके पीछे समाज का कुछ फैक्ट्स जिम्मेदार है, जिसमें डिवीजन ऑफ लेबर है, सुसाइड है,
और शायद रिलीजन भी है, रिलीजन है कुछ, सारी चीज़ को डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे आगे। हर चीज़ को वो जो बोलते हैं ना कि सो जो साइकोलॉजिकल और फिलोसफिकल जो चीज़ हो रहा है ना, मतलब उसके पीछे भी कहीं ना कहीं वो बोलते हैं कि समाज ही जिम्मेदार है। तो वो उनका पढ़ने का तरीका इसीलिए बता रहे हैं ना कि अब सोचेंगे कि अब हम किसके मेथड को फॉलो करें, किसका मेथड पढ़ें। पर बात यहाँ पे किसी एक का मेथड फॉलो करने का या पढ़ने का बात नहीं आता है, बात यहाँ पे ये आता है कि किनका मेथड किस जगह पे अप्लाई हो रहा है। तो हर जगह पे हर मेथड यूज़ नहीं होता है। कैसे कुछ हो गए कि एक माइक्रो सोशियोलॉजिस्ट होंगे जो माइक्रो मेथड यूज़ करने के लिए बोलेंगे कि एकदम इंडिविजुअल लेवल पे आप किसी स्टडी कीजिए, कुछ होते हैं मैक्रो लेवल पे जो बोलेंगे आप होलिस्टिक वे में सोसाइटी को पढ़िए। तो ये दोनों एकदम एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो जाता है। पर ये दोनों एक्सट्रीम ना पढ़ के आप मेसो में आके पढ़िए। तो कुछ साइंटिस्ट ऐसे हैं जो मेसो के बारे में बात करते हैं कि ना ज़्यादा ही इंडिविजुअल पे जाइए, ना ही ज़्यादा एकदम पूरी होलिस्टिक सोसाइटी को समझिए, बल्कि छोटे छोटे जगह पे सोसाइटी को डिटेल में पढ़िए तो ज़्यादा आपको डिटेल में समझ आएगा। तो वो बोलते हैं मिडिल मार्ग वाला करते हैं, बुद्ध का कंसेप्ट की मध्यम मार्ग का कंसेप्ट को पढ़ते हैं। पर हाँ, आपको जब आखिर देखिए अगर आप सोशियोलॉजी स्टार्ट किए हैं पढ़ना, तो आशा करते हैं कि या आप फर्दर आप मास्टर्स करते हैं, मास्टर्स करके पीएचडी करते हैं, और आप लोग में से कोई होंगे जो सोशल साइंटिस्ट पढ़ने वाले हैं, जो अपना थ्योरी देंगे, अपना थ्योरी देंगे कि समाज में जो हो अभी जो प्रॉब्लम हो रहा है इसके पीछे क्या थ्योरी है, क्या चीज़ होना चाहिए जिसके कारण इस प्रॉब्लम को सुधारा जा सकता है। तो हाँ, वो चीज़ आपको धीरे धीरे खुद समझ में आएगा कि हम लोग क्यों ये सारे ही कुछ लूप होल्स के बाद भी सारा चीज़ हम क्यों पढ़ रहे हैं, सारे अलग अलग मेथड्स को क्यों पढ़ रहे हैं। तब आपको समझ आएगा कि बोलते हैं ना कि आप ये भी चीज़ जानना ज़रूरी होता है कि खाली एक इंसान का जो बोलते हैं ना कि आप एक चीज़ समझ गए कि हाँ ये इंसान ये रास्ता है ये सक्सेस पाने का, तो वो रास्ता तो जानना ज़रूरी है ही, प्लस वो भी रास्ता सारा जानना आपके लिए ज़रूरी है जिस रास्ता से आपको सक्सेस नहीं मिलने वाला है। तो सारा मेथड्स को हम लोग को पढ़ना है डिटेल में कि कौन कौन सा मेथड में कहाँ कहाँ लूप होल्स रह गया, कि आप जब कुछ नया थ्योरी देते हैं तो आपके उसमें उतना लूप होल्स ना रहे। ठीक है, अब इसके बाद का जो आता है नेक्स्ट वीडियो में आएगा, तब तक के लिए थैंक यू।